हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सुरमई फिश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही करारे और डिलीशियस डिश है। इसे आप बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम फिश फ्राई बनाना शुरू करते हैं। फिश फ्राई बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 1 किलो फिश। तो यहाँ पे हम सुरमई फिश लिए हैं जिसे हम ऐसे राउंड शेप में कटवा लिए हैं और इसे हम 2 पानी से धो के रख लिए हैं। अब हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, सरसों का तेल, बेसन, गरम मसाला, जीरा पाउडर। तो अब हम इसमें सारे स्पाइसेस मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो हल्दी हम 1/2 चम्मच डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो आप अपने तीखा के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, पर 1 किलो फिश में 2 चम्मच सही होता है। और हम 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, तो हम यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और यहाँ पे हम 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे जिसे हमने बारीक पीस लिया है। तो इसे हम ऐसे डाल देंगे और इसके साथ में हम डालेंगे 2 चम्मच नींबू का रस। तो नींबू को काट के हमने रस निकाल लिया है, तो हम 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। और साथ में हम डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रहे हैं। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ से ही अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि स्पून से अच्छे से इसमें मिक्स नहीं होता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं आप, हर फिश के ऊपर अच्छे से मसाले की कोटिंग हो चुकी है। एक एक फिश पे हमने अच्छे से मसाले को लिपटा दिया है। तो ये मैरिनेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, नींबू और तेल डाल के मसाले के साथ अच्छे से मैरिनेट होने के लिए हम रख देंगे। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। तो बेसन हमें ज़्यादा यूज नहीं करना है, हमें बेसन इतना ही डालना है कि मसाले के ऊपर से बाइंडिंग हो जाए और ये बड़ा क्रिस्पी तैयार होता है। तो हम हल्का हल्का बेसन को ऐसे छिड़कते हुए फिश पे डालेंगे और हाथ से इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, जस्ट इस पे हल्का सा कोटिंग होने के लिए डालना है। तो आप देख रहे हैं हर एक फिश पे हल्का हल्का बेसन की कोटिंग हो गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अपनी फिश अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको एक बार फिर से हाथ ऐसे घुमा लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, हर एक फिश पे अच्छी सी कोटिंग हो गई है और अंदर तक मसाला ऑब्जर्व कर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पे हमने पैन में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे तेल को अच्छे से गर्म होने देना है, यानी कि धुआं निकलना चाहिए। इससे क्या होता है, तेल का जो फ्लेवर है वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो कर लेंगे और तेल को नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। तो तेल अच्छे से
गरम हो गया है, अब हम क्या करेंगे, एक एक फीस को इसमें धीरे से डालेंगे। एक फीस को हम धीरे से डालेंगे, तो एक बार में जितनी फीस आ सके उतना हम पैन में डालेंगे और एक साइड से हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे सिकने देंगे। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि फीस फ्राई करते टाइम ऊपर से मसाले की कोटिंग अच्छे से नहीं होती है, यानी कि वो टूट जाती है या निकल जाती है, पर इस तरह से आप फिश फ्राई बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट फिश फ्राई होगा। यहाँ पे हमने ज्यादा तेल भी यूज नहीं किया है, आप कह सकते हैं इसे सेलो फ्राई करना, हम बहुत ही कम तेल में और अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई करेंगे। तो हम एक साइड से 3 मिनट तक फ्राई होने देंगे, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एक साइड से हमने 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है, अब हम फीस को चेक करेंगे। तो हम एक स्पेचुला से इसे आराम से टर्न करेंगे, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कितनी बढ़िया मसाले की कोटिंग हुई है और मेरीनेट करने से अंदर तक फीस का मसाला जो है ऑब्जर्व हुआ है। तो इसी तरीके से आप फीस फ्राई कीजिए। अब हम एक एक करके सभी फीस को ऐसे टर्न कर लेंगे, इतना बढ़िया मसाला चिपका है आप देख सकते हैं और एक क्रिस्पी भी होता है क्योंकि हमने बेसन से इसे कोट किया है। दूसरे साइड से भी हम 3 मिनट तक चेक के चेक चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 मिनट बाद हम फिर से चेक कर रहे हैं, तो आप देखिए इधर से भी क्रिस्पी करारी अपनी फीस फ्राई हो चुकी है, यानी कि हम सभी फीस को दिखा दे रहे हैं, एकदम करारी करारी फीस तैयार हुई है। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और उस पे एक टिश्यू पेपर रख लेंगे, इसे हम एक एक फीस को ऐसे किनारा करके टेढ़ा कर लेंगे जिससे एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकल जाएगा और हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम दूसरे फीस को टेढ़ा करके प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कड़ाड़ेदार अपनी फीस फ्राई हुई है और सेम प्रोसेस से हम बाकी के सभी फीस भी फ्राई कर लेंगे। तेल गर्म ही है, हम एक एक फीस को आराम आराम से इसमें छोड़ देंगे। ऐसे हम एक एक फीस को आराम आराम से छोड़ देंगे और 3 मिनट तक सेकने के बाद हम इसे टर्न करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखा है, इस बात का ध्यान रखें तेज फ्लेम पे फ्राई करने पे ऊपर की परत जल जाएगी और अंदर तक फीस फ्राई नहीं हो पाएगी, तो हम मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करेंगे। हमने सभी फीस को फ्राई कर लिया है, अब हम इसकी प्लेटिंग करके बताएंगे। तो हम एक एक फीस लेंगे और इसको प्लेट में ऐसे सजाएंगे, आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी करारी अपनी फिश फ्राई हुई है और इसे फ्राई करना बिल्कुल ही आसान है। फिश बनाना लोग झटझट का काम समझते हैं बट बहुत ही आसानी से ये तैयार हुआ है। तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। सुरमई फिश फ्राई तैयार है, इसे आप टेस्ट कीजिए, ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। खाने में तो इतना कड़ाड़ा लगता है कि क्या बताऊं। तो इसे आप स्टार्टर में या मेन कोर्स में या पूरी पराठे के साथ कभी भी ले सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी फिश होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।